आगरा के थाना न्यू आगरा के अंतर्गत दयालबाग के नगलाबुड़ी क्षेत्र में सुबह 8:30 बजे ग्रीन गैस की पाइपलाइन में जबरदस्त आग लग गई। नाले के अंदर से निकली पाइपलाइन में आग 2 दर्जन मकान और दुकानों के आगे फैल गई। लोगों ने अपने चबूतरे तोड़कर खुद आग बुझाने का प्रयास किया। 1 घंटे बाद मौके पर आई दमकल की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कंपनी द्वारा सप्लाई बंद कर मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। हादसे में 20 वर्षीय युवक और 10 साल का एक मासूम झुलस गया। इस दौरान सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और लोग मदद की बजाय वीडियो बनाते रहे। ग्रीन गैस में आग का यह पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी दर्जनों बार आग लग चुकी है। हादसे के दौरान केंद्रीय हिंदी संस्थान रोड पर हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। स्थानीय निवासी आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे और भीड़ में मौजूद लोग मदद की बजाय वीडियो बनाने में जुटे रहे। भीड़ की वजह से काम न कर पाने पर पुलिस को सख्ती के साथ उन्हें खदेड़ना पड़ा। चौकी प्रभारी दयालबाग हरीश कुमार का कहना है कि ग्रीन गैस की लाइन को बंद करवा दिया गया है, आग पर काबू पाया जा चुका है। घायल बच्चे को इलाज के लिए भेजा गया है और आग लगने के कारणों की जाँच की जा रही है। ये कितने बजे की घटना है, क्या लोग घायल हुए इसमें? इसमें एक रायगीर रास्ता था, महेंद्र सिंह का बेटा है, वो निकल के जा रहे थे, वो घायल हुए हैं। एक सुमित नाम का लड़का भी घायल बताया जा रहा है, महेंद्र सिंह का बेटा है, सुमित नाम का। अच्छा, कितने बजे की घटना है? ये घटना 8 घंटे पहले की है करीब। अच्छा जी, करीब 8:15 बजे की करीब घटना। यहाँ लोग कह रहे हैं ग्रीन गैस की पाइपलाइन नहीं होनी चाहिए, काफी विरोध कर रहे हैं लोग। ऐसा ना, ये हादसा है, उनको डर से तो लोग कहेंगे, लेकिन अगर इसको संभाल के वो करें तो सारी चीज़ सुविधाओं के लिए होती है, वो गवर्नमेंट सुविधाओं के लिए करती है। लेकिन ये है कि जो लापरवाही हुई है केंद्रीय, इसकी घोर बदना करते हैं हम, चैम्बर से इधर आया, ये गलत तरीके से जो लापरवाही की है, चैम्बर से इधर आया भाई, चैम्बर गलत है, उसका सुधार किया जाए और उसको पनिशमेंट किया जाए।